वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्विटर। फ्रेंड्स, लॉगरिथम की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। इससे पहले हम 55 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, इफ़ log 2 इक्वल्स टू 0.3010 एंड log 3 इज इक्वल टू 0.4771, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 ऑफ 512। सॉल्यूशन बनाते हैं, देखिए क्या दिया है। log 2 इक्वल्स टू दिया है 0.3010 एंड log 3 इक्वल्स टू दिया है 0.4771। वैल्यू में फाइंड आउट करनी है log 5 ऑफ 512 की। तो इसको हम लिख सकते हैं log 5 ऑफ 2 to the power 9। पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 9 log 5 ऑफ 2। ओके, नाउ इसको लिख सकते हैं हम 9 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। ओके, 9 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log 5 को हम लिख सकते हैं log 10 बाय 2। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 log 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2। ठीक है, जब बेस नहीं दिया हो तो हम क्या मानते हैं 10। तो ये हो जाएगा हमारा 9 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log 10 ऑफ 10 माइनस log 2। ओके, सो log 2 की वैल्यू क्या दी हमें, 0.3010 डिवाइडेड बाय log 10 ऑफ 10 हो गया 1 माइनस 0.3010। ओके, मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा हमें, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको, तो ये मिलेगा 2.709 डिवाइडेड बाय 0.699। ये हो जाएगा, पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2709 डिवाइडेड बाय 699 इक्वल्स टू आ जाएगा 3.876। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इफ log 10 ऑफ 2 इक्वल्स टू 0.3010 एंड log 10 ऑफ 3 इक्वल्स टू 0.4771, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 ऑफ 1.5। सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या दिया है, log 10 ऑफ 2 हमें दिया है 0.3010 एंड log 10 ऑफ 3 दिया है हमें 0.4771। फाइंड आउट करना है हमें log 10 ऑफ 1.5। ओके, सो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम log 10 ऑफ 3/2। तो हो जाएगा log 10 ऑफ 3 माइनस log 10 ऑफ 2। ओके, सो log 10 ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास 0.4771 माइनस log 10 ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010। माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 0.1761। यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इफ log 10 ऑफ 2 इक्वल्स टू 0.3010 एंड log 10 ऑफ 7 इक्वल्स टू 0.8451, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 ऑफ 2.8। सॉल्यूशन बनाते हैं, देखिए क्या दिया है, log 10 ऑफ 2 इक्वल्स टू दिया है हमें 0.3010 एंड log 10 ऑफ 7 इक्वल्स टू दिया है 0.8451। फाइंड आउट करना है हमें log 10 ऑफ 2.8। इसको हम लिख सकते हैं log 10 ऑफ 28 डिवाइडेड बाय 10। ओके, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा हमारा log 10 ऑफ 28 माइनस log 10 ऑफ 10। सो log 10 ऑफ 28 को लिख सकते हैं हम 4×7 माइनस log 10 ऑफ 10। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे log 10 ऑफ 4 प्लस log 10 ऑफ 7 माइनस log 10 ऑफ 10। ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो ये एडिशन में आ जाएगा। ओके, 4 को लिख सकते हैं हम log 10 ऑफ 2 to the power 2 प्लस log 10 ऑफ 7 माइनस log 10 ऑफ 10। ओके, 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2
log 10 of 2 plus log 10 of 7 plus, sorry, minus log 10 of 10. ओके वैल्यूज पुट कर देंगे. 2 log 10 of 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस log 10 of 7 की वैल्यू क्या है 0.8451 माइनस log 10 of 10 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1. ओके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 0.602 प्लस 0.8451 माइनस 1. एडिशन के बाद जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 0.4471. ओके यही हमारा फाइनल आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59. इफ लॉग 0.57 इक्वल्स टू 1/0.756 देन द वैल्यू ऑफ लॉग 57 प्लस लॉग 0.57 का क्यूब प्लस लॉग अंडर द रूट 0.57 इज व्हाट. सॉल्यूशन बनाते हैं. देखिए क्या दिया है, लॉग 0.57 इक्वल्स टू 1/0.756. ओके तो हो जाएगा हमारा लॉग, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 57. लॉग 57 इक्वल्स टू 1.756. ओके ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मंतिसा है दैट मीन्स जो लॉग के डेसिमल के बाद के जो पॉइंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं मंतिसा, वो क्या है सेम रहेगी. ओके तो दैट्स वाई लॉग 57 की वैल्यू क्या हो गई 1.756. ओके अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है लॉग 57 प्लस लॉग 0.57 का क्यूब प्लस लॉग 0.57 का अंडर रूट है, अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2, 0.57 की पावर 1/2. तो हो जाएगा लॉग 57 प्लस लॉग, इसको लिख सकते हैं हम 3 पावर आगे आ जाएगी, इसको लिख सकते हैं 57 डिवाइडेड बाय 100 प्लस पावर 1/2 आगे आ जाएगी. ये हो जाएगा लॉग, इसको भी लिख सकते हैं 57/100. ओके क्यों, क्योंकि पॉइंट हटेंगे तो 100 हो जाएगा नीचे. नाउ ये हो जाएगा लॉग 57 प्लस 3 लॉग 57 माइनस 3 लॉग 100 प्लस 1/2 लॉग 57 माइनस 1/2 लॉग 100. ओके ये हो जाएगा हमारा, ऐड कर देंगे हम 57 वाले टर्म को और लॉग 100 वाले टर्म्स को, तो हो जाएगा हमारा ऐड करने पर 9/2 लॉग 57 ओके माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस थ्री माइनस 1/2 तो हो जाएगा 6/2 सॉरी कितने दिए हैं माइनस 3 लॉग ऑफ 100 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 100. ओके सो देखिए 100 इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 ऑफ लॉग 10^2 माइनस 1/2 लॉग 10^2. ओके सो ये हो जाएगा हमारा 9/2 लॉग 57 माइनस 2 आ गया जाएगा तो ये हो जाएगा 6 लॉग 10 माइनस 2/2 लॉग 10, 2 से 2 कैंसिल आउट तो कितना होगा ये 9/2 लॉग 57 माइनस ये 1 बचा और ये 6, 7 लॉग 10. ओके नाउ 9/2 लॉग 57 की वैल्यू क्या है 1.756 माइनस 7 इंटू बेस जब कुछ नहीं होता तो 10 मान लेंगे तो लॉग 10 ऑफ 10 क्या हो जाएगा 1. सो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए ये आ जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.902 माइनस 7 इक्वल्स टू वैल्यू आएगी हमारी 0.902. यही हमारा फाइनल आंसर होगा. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60. इफ
log 2 equals to 0.30103 and the number of digits in 2 to the power 64 is what? सॉल्यूशन बनाते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है हमें, log 2 इक्वल्स टू 0.30103 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 टू द पावर 64 की. ओके, सो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे इसका, किसका, 2 टू द पावर 64 का, तो ये हो जाएगा log 2 टू द पावर 64, दैट मीन्स 64 आगे आ जाएगा तो 64 log 2 हो जाएगा. ओके, सो log 2 की वैल्यू हमें क्या दी है, ये दी है 0.30103. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 19.26592 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू.